अभी भी तकलीफ है कि यार करो मैं अंकल जी, मैं तकलीफ अपनी सह नहीं सकती भी। इन्हें जड़ियाँ हड्डियाँ टेढ़ियाँ होंगे डिंगियाँ होंगे आंडी ना सुनते ना बोलते हैं ना चल सकते ना फिर सकते उन्हें क्या इन्होंने बौन कैंसर है। एक बच्चा बीमार हो तो माँ कहती जी बीमार मेरे को सामिया जाता मेरे छे बच्चे ने जिन्होंने सारी जारी सामती रही रात को करवट करवानी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान नईम भट्टी और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। नाज़रीन आज मैं मौजूद हूं पंजाब असेंबली के बिल्कुल बाहर और यहां पर मौजूद हैं नारंग मंडी से आए हुए वालदैन जिनके 6 बच्चे हैं और जो के कैंसर में मुबतला हैं, जिनकी हड्डियों में कैंसर है। ठीक है, इनको तकरीबन यहाँ पर आए हुए 20 से 25 दिन हो गए हैं। किसी भी हुकूमती नुमाइंदे ने और मेंबर ऑफ पंजाब असेंबली में किसी बंदे ने इनसे आकर ये नहीं पूछा कि आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं। जी वालेकुम सलाम जी, क्या नाम है चाचा जी आपका? जी मेरा नाम अहमद आरफ है। अच्छा चाचा जी, ये बताएं कि कब से आए हुए हैं आप? जी बिल्कुल, मैं नारंग मंडी से आया, मुझे आज 26 दिन हो गए इधर आए। अच्छा अच्छा, और क्या हुआ था इन बच्चों को? इन बच्चों को बौन कैंसर है, हड्डियों को कैंसर है, इनके हड्डियाँ टेढ़ी हो गई, पैर टेढ़े हो गए, हाथ टेढ़े। ये बताएं ये बदशी हैं या बाद में हुआ? नहीं, ये बच्चे जो बाद में हुए हैं, क्योंकि पहले बच्चे ठीक थे, बस बाद में इन्होंने बुखार चढ़ा, बुखार की वजह से फिर आस्ते कमज़ोर होते गए। अच्छा, ये 6 बच्चे हैं आपकी, 3 बेटियाँ हैं और 3 बेटे हैं आपके, ये सबको एक ही साथ मसला है? हाँ जी सबको, 5 को ये एक ही मसला है, तो एक जो बची है उसको फाला जो है एक साइड उसकी काम नहीं करती। यानी कि 6 के 6 बच्चे आपके मजदूर हैं? जी बिल्कुल, 6 के 6 बच्चे ऐसे। अच्छा, ये पैदाइश के कितनी देर बाद हुआ था? ये तकरीबन 12 साल को बच्चा होया, कोई 8 साल बाद होया, कोई 6 साल बाद होया। अच्छा, आपने कोई इलाज करवाने की कोशिश की है? बहुत ज़्यादा इलाज कराने की कोशिश की थी, लेकिन इन्हें वसैल नहीं है जिन्हें वो खर्चा दाते हैं। फिर कहाँ कहाँ पर इलाज करवाया इनका? मैं सिंगापुर भी बच्चे लेके गया वहाँ, इस्लामाबाद अरशफा इंटरनेशनल उ भी गया वहाँ, उधरों जरा इमरान खान ने बनाया हॉस्पिटल उ भी गए हैं असी। डॉक्टर क्या कहते हैं? डॉक्टर पाकिस्तान डॉक्टर ने तो मैंने कुछ नहीं दसिया, कोई भी कह लेंगे भी इन्हों का पट्ठिया का मसला है, लेकिन जो मैं सिंगापुर लैके गया तो सिंगापुर वाले कहा भी इन्होंने बौन कैंसर है, इन्हें जड़ियाँ हड्डियाँ टेढ़ियाँ होंगे डिंगियाँ होंगे आंडियाँ ना सुनते ना बोलते हैं ना चल सकते ना फिर सकते, उन्हें क्या इन्होंने बौन कैंसर है। कैसे संभाल रहे हैं आप इन बच्चों को और इतने अखराजात हैं, काम क्या करते हैं आप? मैं खुद फर्नीचर पालिश का काम कर रहा था, लेकिन हूँ मैं नहीं काम करता क्योंकि मैंने खुद शुगर हो गई है, तो फर्नीचर पालिश के जो कैमिकल होंगे कैमिकल जो चढ़ते हैं फिर मैं दर्द होने लग पी, इस वजह तो काम नहीं हूँ मेरे को आता। फिलहाल मैं घर छोटी जी एक दुकान पाई उ बस बैठा होना, बस वह गुजारा कर। वालेकुम माँ जी। माँ जी, 6 मजदूर बच्चे आपके, कैसे संभाल रही हैं इनको माँ जी? बहुत मुश्किल से, एक बच्चा बीमार हो तो माँ कहती जी बीमार मेरे को सामिया जाता, मेरे 6 बच्चे ने जिन्होंने सारी जारी सामती रही है रात को ना करवट करवानी, ना ही बिस्तर ले सकते ना ही करवट ले सकते ना खाना खा सकते। अच्छा, अगर आपके बच्चों की कोई जिम्मेदारी लेता है तो क्या आप अपने बच्चे उनके हवाले कर देंगे? मेरा मतलब ये है तो मैं हवाले ही करा दी इन्होंने खर्चा पानी बच्चा डैडी सार वो इन्होंने मिले, वैसे ने जे कोई कहे नारी दसी ला जी वो नहीं मैं दे। माँ जी, ये हम मान सकते हैं कि आपके 6 के 6 बच्चे मजदूर हैं और आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा तकलीफ का मरहला है। ये तो तकलीफ और की, एक बच्चा बीमार हो तो माँ जी है ना वो बीमार हो जाती है, 8 दिनों के कहती मैं बीमार हो गई हूँ साम साम, तो मैंने तो 15-16 साल हो गए जी मैंने साम दिया। माँ जी, कभी आपके बच्चों ने आपसे बात नहीं की? इशारे से करते, इशारे से, इशारे से हर चीज़ मांगते थे। उम्र से कोई मुतालबा करना चाहते हैं? हुकूमत से यही मुतालबा करा दी थे, हुकूमत अपनिया कुर्सियाँ तो लड़ लड़ के तो घर चले ने, तो इन्हों बच्चों बेचारे जो रोड पर बैठे ने इन्होंने 15-20 दिन हो गए हैं, इन्होंने बेचारे का भी कोई सोचा नहीं। क्या नाम है मेरी बहन का? तस्मिया। अच्छा तस्मिया बहन, ये बताएं कि ये कब से मसला है आपको? मैं 3 साल के जब से मुझे ये मसला है, मैं 3 साल जब मुझे फाजल हो गया था, जब 8 साल की हुई झड़के लगने शुरू हो गए मुझे, मुझे तो फिर कुछ भी ना पता है मेरे साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी भी आपसे बात कर रही हूँ ना तो रोड़ी मुझे दर्द हो रही है गुर्दे की, दवाई इतनी खा रही हूँ
मैं 8 साल से जब से दवाई खा रही हूँ, अभी भी मैं दवाई खा के आई हूँ घर से, तो मुझे तकलीफ इतनी है, हदों ज़्यादा। रोज़ाना टीका लगवाती हूँ तो सुकून से बैठती हूँ, सुबह टीका नहीं ना लगवाया तो मुझे इतनी तकलीफ है, मैं गाड़ी में भी रो रही थी। तो अभी भी तकलीफ है कि यहाँ करो, मैं अंकल जी मैं तकलीफ अपनी सह नहीं सकती भी। बहन भाई को तरफ देखती हूँ तो चुप कर जाती हूँ, मैं अपने बहन भाई तरफ देखूँ भी, इनका भी साथ देना, मैंने अभी मामा का भी साथ देना, अकेली मामा का ही बहुत कमजोर हो जाएगी, थक जाएगी। और मेरी तमाम पाकिस्तानी कौम से भी गुजारिश है कि इनके साथ तआमुन करें। इसी के साथ अपने मेज़बान नईम भट्टी को इजाज़त दीजिए, फिर हाजिर होंगे आपकी खिदमत में एक नई स्टोरी के साथ।